गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा जब आप अपना नवा चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं, अध्याय 9 है, 9th दा बल अते गति दे नियम। बल दे ते गति दे की नियम ने, मतलब फोर्स ते मोशन दे की नियम ने, की लॉज ने, वो अपन ने इस वीडियो च डिस्कस करने हैं। आप दोनों लैंग्वेज बनावांगे वीडियो, इंग्लिश एज वैल एज पंजाबी, ठीक है। पहला बल की हुंदा है, बल मतलब फोर्स की हुंदी है। फोर्स कुछ नहीं हुंदा बेटा, किसी भी चीज़ नू जिवें कोई वस्तु है ये गति करती भी है, अगे नू जा रही है। जे वस्तु ते आपां ब्रेक लगाने नू रोकदे हैं, या वस्तु की गति च परिवर्तन करते हैं, या वस्तु की गति वधा दिंदे हैं या घटा दिंदे हैं, या वस्तु दे धक्का लाने हैं, और पुल नूं आपां फोर्स कहने, ठीक है जी। बल आही चीज़ दस्सिया, जिवें अपना बॉल देखो पहला रस्ते सी, बट जो आपां इहनूं स्टिक ना मारांगे इहने गति चले जानी है, इत्थे आपां ने बल लाया, ठीक है। देखो आ इहनूं रोड़दे पए हैं, पुश कित्ता करदे पए हैं, देखो इहनूं कहने आपां बल या फोर्स, ठीक है। तो हुण फोर्स दे की प्रभाव पैंदे ने, फैक्ट्स हो की ने, बल दे प्रभाव की ने, फोर्स दे इफेक्ट की ने, ठीक है। पहला यही है, जे वस्तु कदे कदे गति, कोई वस्तु खड़ी होवे उनू आपां गति च लिया सकदे हां, कोई वस्तु खड़ी है तो उनू गति च लिया सकदे हां, जे गति च है उनू खड़ा भी सकदे हां, ते उहदी वेग की मात्रा उनू गति नू बदल सकदे हां, उहदी वेग की मात्रा नू, उहदी चाल की मात्रा नू बदल भी सकदे हां, उहदी दिशा भी बदल सकदे हां बल दे नाल, ठीक है। तो उहदी आकार ते शकल भी बदल सकते हैं, जिवें देखो अपने कोल टेनिस की बॉल हुंदी, जो उपले पासों आपां बल लाने एच जी शेप जी बन जाती है, तो उहदी दिशा उहदा शकल भी बदल सकते हैं, इहनूं आपां बल या फोर्स कहने हैं, ठीक है जी। एक हुंदे हुण दो तरह के बल हुंदे ने, एक हुंदे ने संतुलित बल, दूजा हुंदा असंतुलित बल। इहनूं इंग्लिश च कहने आपां बैलेंस्ड फोर्स ते अनबैलेंस्ड फोर्स। इहदा मतलब की है, जिवें आ देखो बेटा अपने कोल आ गब्बे तो आपां ने इधर भी तीन जणे ने खिंचना शुरू किया, इधर भी तीन जणे ने खिंचना शुरू किया, पुल करना शुरू किया, किन्नी फोर्स नाल। अच्छा फोर्स की इकाई आ रखनी है, बल की इकाई की है, बल नूं मापदे आपां न्यूटन दे विच, पंजाबी च भी न्यूटन कहने हैं, एन ना लिखते हैं, इंग्लिश भी न्यूटन कहने हैं। देखो आ तीन जाने किन्ने बल नाल खिंचदे पए ने रस्से नूं, ये बल ला रहे ने 300 न्यूटन, तो ये भी तीनों जाने किन्ने बल नाल खिंचदे पए ने 300 न्यूटन, दोनों का बल सेम है तो वस्तु इत्थी खड़ी रहूगी, इहनूं कहने हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो आप कह सकते हैं रिजल्ट उत्थी खड़ा रहूगा, उहनूं कहने हैं बैलेंस्ड फोर्स या संतुलित बल। हुण की होया, जे एवें होवे एक पासे इनू 400 न्यूटन नाल खिंचीए, एक पासे इनू 300 न्यूटन नाल खिंचीए, तो बराबर बल नहीं लगता पाया, इधर ज़्यादा बल लगता पाया, तो इधर नू ज़्यादा खिंचया जाऊगा, इधर नू जाऊगा, तो जिधर बल ज़्यादा होगा उधर नू जाऊगा, इनू कहने असंतुलित बल। तो किन्ना बल लगेगा आप मन के चल सकते हैं, क्योंकि इधर नू 400 इधर नू 300 है, तो किन्ना एग्जैक्ट बल लगू, 100 न्यूटन बल इधर नू लगेगा, क्योंकि 400 माइनस 300 100 न्यूटन, ठीक है। तो की याद रखना है तुसी, ठीक है। हुण इहनूं पंजाबी च आपां पढ़ लईए, की याद रखना है। पहली गल इहो याद रखना है, कोई वस्तु समान वेग दे नाल केवल उदों तक चलती रहिंदी है जदों तक उस ते लगन वाले बल संतुलित हुंदे हन। जे एक वस्तु है मान लो 5 मीटर दी पर सैकेंड की स्पीड नाल जा रही है, तद तक ही जाई जाऊगी आ स्पीड नाल, जब तक उहदे उत्ते बैलेंस्ड फोर्स लगदियां भी हैं। जे अनबैलेंसड फोर्सिज लगदियां पई हैं तां उहदा बल बदल जाणा, 5 तों 4 भी हो सकदा है, 5 तों 6 भी हो सकदा है, इह याद रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर ते जे आपां ने किसी भी वस्तु नूं प्रवेगित करना है, प्रवेगित मतलब ब्रेकां लानी है या उहदी स्पीड वधानी है, तद भी आपां नूं असंतुलित बल लगाना पैना है, ठीक है जी। बस आही बेटा तुसीं याद रखना है, इस तों इलावा होर कुछ नहीं। यही वीडियो सी अज दी, इहनूं अपनी समझ के कापी ते नोट कर लेनी है। नैक्सट वीडियो आपां देखांगे कल नूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।